द साइनिंग। कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को पहाड़ी एरिया से गुजरते हुए देखते हैं, जो वहां के एक होटल पर जाकर रुकती है। तभी उस गाड़ी से जैक नाम का एक आदमी इस होटल में जॉब करने के लिए आता है। फिर जब वो इस होटल के मैनेजर से मिलता है तो वो उसे यहां की कुछ कहानियां सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे पिछली आइसोलेशन ने यहां के केयर टेकर को मेंटली बीमार कर दिया था, जिसके कारण वो केयर टेकर अपनी दो जुड़वा बेटियों और वाइफ का मर्डर करके खुद सुसाइड कर लिया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये होटल कुछ महीनों ही ओपन रहता है और बाकी के महीने यहाँ चारों तरफ बर्फ रहने के कारण इसे बंद करना पड़ता है। अब जैक ये सब मजाक समझकर केयर टेकर की जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैक के बेटे डैनी को देखते हैं, जो अकेले में अपने फ्रेंड टोनी से इमेजिनेशन के जरिए बात कर रहा था। टोनी उसे बताता है कि जैक को जॉब मिल चुकी है। साथ ही वो डैनी से भी कहता है कि तुम्हें उस होटल में नहीं जाना है। फिर जब डैनी उससे इसका कारण पूछता है, तब वो उसे एक विजुअल दिखाता है जिसमें बहुत सारा ब्लड और जुड़वा लड़कियां दिखाई देती हैं। ये सब देखकर डैनी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं डैनी की मॉम डॉक्टर से बता रही होती हैं कि कैसे एक बार जैक ने गुस्से में आकर डैनी का हाथ फ्रैक्चर कर दिया था, और तब से डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात करने लग गया था। इसके बाद जैक अपनी फैमिली के साथ होटल में पहुंच जाता है, जहां उसे होटल का मैनेजर चेफ से मिलवाता है, क्योंकि चेफ जैक को यहां के सभी कामों को बताने वाला था। फिर जब चेफ जैक से बात कर रहा होता है तो वहां डैनी चेफ से टेलीपैथिक तरीके से बात करने लगता है। चेफ ये सब सुनकर हैरान होता है। फिर वो डैनी को बताता है कि वो भी अपनी दादी से ऐसे ही घंटों बात किया करता था। इसके बाद डैनी चेफ को अपने फ्रेंड टोनी के बारे में बताता है और उससे रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। इस पर चेफ काफी शॉक्ड होता है और उससे कहता है कि तुम उस रूम से दूर ही रहना। अब अगले दिन डैनी और उसकी मॉम एक बहुत बड़े मेज में घूम रहे होते हैं। उधर होटल में हम जैक को देखते हैं, जिसका नेचर अब धीरे धीरे बदल रहा होता है। फिर जब वो टाइपराइटर पर बुक टाइप कर रहा होता है तो उसके पास उसकी वाइफ आती है। जैक अपनी वाइफ से अजीब तरह से बिहेव करता है, जिससे उससे पता चलता है कि जैक मेंटली रूप से बदल रहा है। इधर डैनी होटल में साइकिलिंग कर रहा होता है कि तभी वो रूम नंबर 237 के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो रूम के पास जाकर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो रूम पूरी तरह से लॉक होता है। लेकिन तभी डैनी को वही दोनों जुड़वा बहनें दिखाई देती हैं, जिससे डरकर डैनी यहां से भागने लगता है। पर थोड़ा दूर आगे जाने पर उसे फिर से वही जुड़वा बहने दिखाई देती हैं, जो उससे कहती हैं कि कम प्ले विथ अस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ये सुनकर डैनी डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है, और फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वहां से वो दोनों बहने गायब होती हैं। अब धीरे धीरे जैक और उसकी फैमिली को यहाँ रहते हुए एक महीना पूरा हो जाता है। वहीं इस होटल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरने लगता है, जिसके कारण इस पूरे होटल में जैक की फैमिली के अलावा कोई भी नहीं रहता। इसके बाद डैनी अपने डैड जैक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे और मॉम को कभी नुकसान पहुंचाओगे। इस पर जैक उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर डैनी होटल में खेलने के लिए चला जाता है। अब डैनी होटल में अकेला खेल रहा होता है कि तभी उसके पास एक बॉल आती है। ये देखकर डैनी उस बॉल को चेक करने के लिए आगे की तरफ जाने लगता है। फिर आगे जाने पर उसे वही रूम नंबर 237 मिलता है, और इस बार उस रूम का डोर ओपन होता है। इसके बाद डैनी बाहर से आवाज लगाता है कि मॉम, क्या आप रूम के अंदर हो। इस पर डैनी को कोई भी जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ डैनी की मॉम मशीन का टेम्परेचर ठीक कर रही होती है। दरअसल ये जॉब जैक को मिला होता है, लेकिन ये सभी काम उसकी वाइफ वेंडी ही करती है, क्योंकि जैक पूरा दिन बुक लिख रहा होता है। अब जैक की वाइफ वेंडी काम कर ही रही होती है कि तभी उसे जैक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वेंडी जल्दी से जैक के पास जाती है। वेंडी देखती है कि जैक सपने में चिल्ला रहा है। फिर जब जैक को होश आता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जैक वेंडी को बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, जिसमें वो वेंडी और अपने बेटे डैनी को बुरी तरह काटकर मार दिया है। तभी यहाँ पर डैनी भी आ जाता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसके गाल पर कुछ घाव के निशान थे। ये सब देखकर वेंडी उससे पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, लेकिन डैनी उसे कुछ भी नहीं बता पाता। तभी वेंडी जैक की तरफ देखती है, जो इन दोनों को लगातार घूर रहा था।
था। इससे वैंडी को लगता है कि यह सब जैक ने ही किया होगा, इसलिए वो जैक पर गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। जैक इस बात से परेशान होकर होटल के बार में जाता है, जहाँ उसे एक बार टेंडर मिलता है। जैक उस बार टेंडर से बताता है कि कैसे उसकी वाइफ उस पर हमेशा गुस्सा करती है और उल्टा सीधा बोलती है। जैक बातें कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर वैंडी आ जाती है, जो जैक को बताती है कि इस होटल में हमारे अलावा एक औरत भी रहती है। तभी जैक देखता है कि वो बार टेंडर यहाँ से गायब हो चुका है। इन सब चीजों से जैक और भी ज्यादा हैरान होता है। फिर वैंडी उसे बताती है कि वो औरत रूम नंबर 237 में है। इसके बाद जैक उसी रूम में जाता है, जहाँ उसे एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है। जैक उसे देखकर काफी अट्रैक्ट होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो औरत अचानक से एक घोस्ट बन जाती है, जिससे जैक काफी ज्यादा डर जाता है और किसी तरह उस रूम को लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी चेफ को देखते हैं, जिसे एहसास होता है कि उस होटल में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन उस चेफ का घर उस होटल से काफी ज्यादा दूर होता है, इसलिए वो पुलिस के पास कॉल करके उनसे हेल्प लेने की कोशिश करता है। लेकिन जिस होटल में जैक और उसकी फैमिली थी, वहाँ की सभी टेलीफोन लाइन्स बंद होती हैं। अब पुलिस रेडियो के जरिए उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर जैक उस रेडियो को जानबूझकर खराब कर देता है, क्योंकि अब उसका दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। इसके बाद जेफ इन्हें बचाने के लिए फ्लाइट से इस होटल की तरफ निकल जाता है। इधर वैंडी जैक से कहती है कि इस होटल में हमारे साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें इस होटल से चले जाना चाहिए। यहाँ से जाने की बात सुनकर जैक वैंडी पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैं अपनी बुक को पूरा लिखे बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। इसी गुस्से में जैक दोबारा से उसी बार में जाता है, जहाँ एक बड़ी सी पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में काफी डिफरेंट टाइप के लोग थे, जिससे हमें पता चलता है कि एक घोस्ट पार्टी है, क्योंकि इस होटल में जैक की फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था। अब जैक उस पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उससे एक वेटर टकराता है, जिससे जैक की ड्रेस गंदी हो जाती है। फिर ये वेटर जैक को वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी जैक को ऐसा महसूस होता है कि वो इस वेटर को पहले से ही जानता है। फिर याद करने पर जैक को पता चलता है कि इस होटल का सबसे पहले जो केयर टेकर था, जिसने अपनी जुड़वा बेटी और वाइफ को मारने के बाद खुद सुसाइड कर लिया था, ये सेम वैसा ही है। अब जैक उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ के केयर टेकर रहे हो। इस पर वो जैक को अजीब तरह से जवाब देता है कि मैं यहाँ का हमेशा से केयर टेकर हूँ और आगे भी रहूंगा। ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये वही केयर टेकर है जिसने सुसाइड किया था। इसके बाद वो वेटर जैक से बताता है कि कैसे उसकी बेटी ने इस होटल को आग लगाने की कोशिश की थी। इस बात से गुस्सा होकर उसने अपनी पूरी फैमिली को ही मार दिया था। साथ ही वो जैक से ये भी बताता है कि उसका बेटा डैनी यहाँ किसी को हेल्प करने के लिए बुला रहा है। इससे हमें समझ आ जाता है कि डैनी ने ही टेलीपैथिक तरीके से चेप तक ये बात पहुँचाया। अब जैक भी अपनी वाइफ और बच्चे को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उस केयर टेकर ने जैक के मन में ये विचार डाल दिया था। उधर हम वैंडी को देखते हैं, जो इस होटल से काफी ज्यादा परेशान होती है और यहाँ से किसी तरह बाहर जाने का प्लान बनाने लगती है। इसके बाद वैंडी जैक को ढूंढने लगती है। वहीं वैंडी के हाथ में एक बेसबॉल भी होता है। फिर जब वैंडी टाइपराइटर तक पहुँचती है तो वो काफी हैरान होती है, क्योंकि जैक पिछले एक महीने से सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा था। ये सब देखकर वैंडी को कुछ भी समझ नहीं आता कि जैक ने कई सारे पेजों पर सिर्फ एक ही लाइन क्यों लिखा है। अब वैंडी ये सब देख रही होती है कि तभी वहाँ जैक आ जाता है, जो वैंडी को टाइपराइटर के पास देखकर काफी गुस्सा होता है। तभी वैंडी नोटिस करती है कि जैक पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए वो उसे मारने वाला है। ये देखकर वैंडी जैक पर उसी बेसबॉल से हमला करती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वैंडी जैक को फूड स्टोर में बंद कर देती है, पर तभी जैक को होश आ जाता है। लेकिन अब वैंडी उस डोर को बाहर से लॉक कर चुकी थी। फिर वैंडी जैक से कहती है कि मैं डैनी के साथ यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर जैक पागलों की तरह हंसता है और उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद वैंडी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। साथ ही वहाँ पर रखा रेडियो भी खराब होता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये सब जैक ने ही किया है। इन सब चीजों से हैरान होकर वैंडी वापस से रूम के अंदर जाकर सो जाती है। तभी उस रूम में डैनी आता है, जिसके ऊपर अब टोनी का वश हो चुका होता है। इसके बाद डैनी एक चाकू लेकर अपनी मॉम से कहता है कि रेड ड्रम यानी मर्डर का उल्टा। ये सुनकर वैंडी की आंखें खुल जाती हैं। फिर वो मिरर में देखती है कि एक डोर पर मर्डर लिखा हुआ है।
है, लेकिन जब वो डोर की तरफ डायरेक्टली देखती है तो उस पर रेड ड्रम लिखा हुआ होता है। इससे वैंडी समझ जाती है कि डैनी उसे खतरे के बारे में बता रहा है। उधर जैक उसी केयर टेकर के घोस्ट से बात कर रहा होता है, जहाँ केयर टेकर जैक से कहता है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो। इस पर जैक उससे कहता है कि मुझे एक मौका और दो, तभी वो डोर ओपन हो जाता है। इसके बाद जैक एक कुल्हाड़ी लेकर वैंडी के रूम के डोर को तोड़ने लगता है। ये सब देखकर वैंडी डैनी को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर वैंडी डैनी को वॉशरूम के विंडो से बाहर भेजने की कोशिश करती है। अब डैनी किसी तरह उस विंडो से बाहर निकल जाता है, लेकिन वैंडी उस विंडो से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि वो विंडो काफी ज्यादा छोटी थी। इधर जैक रूम के डोर को तोड़कर अंदर चला जाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि वैंडी वॉशरूम में छिपी हुई है, तो वो वॉशरूम के डोर को तोड़ने लगता है। इसके बाद जैक वॉशरूम के डोर को तोड़कर लॉक खोलने की कोशिश करता है। वैंडी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वैंडी के हाथ में वही चाकू होता है जो उसे डैनी ने दिया हुआ था। फिर वैंडी उसी चाकू से जैक पर हमला करती है। तभी हम बाहर किसी गाड़ी की आवाज को सुनते हैं जो उसी चेफ की होती है। इधर जैक को जब उस गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो वो वैंडी को छोड़कर सीधा उस गाड़ी को देखने जाने लगता है। तभी जैक को होटल में चेफ दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी से चेफ पर हमला कर देता है, जिससे वो चेफ बुरी तरह मारा जाता है। अब चेफ को मारने के बाद जैक डैनी को मारने के लिए जाता है, जो कि बर्फ में भाग रहा था। इसके बाद डैनी उसी मेज यानी भूल भुलैया के अंदर चला जाता है जो उस होटल के करीब ही था। फिर जैक डैनी के कदमों के निशान को फॉलो करते हुए उसका पीछा करने लगता है। तभी डैनी इस बात को समझ जाता है, इसलिए वो अपने कदमों के निशान को मिटाकर वहीं पर छिप जाता है। अब जैक उसे जोर जोर से बुलाने लगता है। उधर होटल के अंदर वैंडी को बहुत सारे घोस्ट दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वो उस होटल से बाहर निकलने लगती है। इधर डैनी मौका पाकर मेज से बाहर आ जाता है, पर जैक अभी भी उस मेज में भटक रहा होता है। बाहर आने के बाद डैनी वैंडी से मिलता है। फिर ये दोनों चेफ की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। उधर जैक उसी मेज में फंस कर के कारण जम जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।